गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हमने जो अपना चैप्टर में फर्स्ट स्टार्ट किया था फ्रैक्शन, इस चैप्टर का आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे, नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। इन सर्कल टू शो द गिवन फ्रैक्शन वन इज डन फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक आपको करके बताया हुआ, इसी तरीके से बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको कैसे होते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास जितनी टोटल है वो हम नीचे लिखते हैं, उसमें से जो है जितना भी शेड किया हुआ है, जो भी पार्ट जो है उसमें से निकाल दिया जाता है वो हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्या बोला हुआ है कि 1/5 का फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको। अब देखते हैं हम ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये फ्रूट हमारे पास 5 है। ठीक है, इसमें से वन पार्ट सर्कल किया हुआ पहले से ही आपकी बुक में। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के बी सी डी ई एफ आपको खुद करने। 5/6 दे रखा है। ठीक है, ये जो टोमेटो हमें दिया हुआ है कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 जो है हमारे पास फ्रूट है, सॉरी वेजिटेबल है, और इसमें से जो 5 है वो आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, जितना जो है आपको नंबर ऊपर दिया हुआ उतने पार्ट आपको आपकी बुक में ही सर्कल करने हैं। ठीक है, तो आपने सर्कल कर दिए। इसी तरीके से नीचे दिया हुआ 1/4 का फ्रैक्शन, 1, 2, 3, 4। 4 आपके पास जो है ये फ्रूट है, और इसमें से आपको जो है सिर्फ वन सर्कल करना है, क्योंकि जो नंबर ऊपर दिया आपको उतने उतना जो चीज़ है उस उतनी चीज़ को आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से डी ई एफ आप खुद से करेंगे, इसको आप बुक में ही करेंगे। ठीक है, इस फ्रैक्शन को शो करना है आपको और उन पार्ट्स को सर्कल करना है जो कि आपको जो है ऊपर नंबर जो दे रखा उतने नंबर्स को आपको या उतने वेजिटेबल या फ्रूट का आपको फ्रूट को आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो इसके आगे के पार्ट आप खुद से ही करेंगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आप अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन भी हम बुक में कर सकते हैं। राइट द फ्रैक्शन शोन बाय शेडेड पार्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो है नीचे तीन डायग्राम दिए हुए, इसमें से कुछ पार्ट को शेड किया हुआ है, आपको इसका फ्रैक्शन शो करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल पार्ट्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे कितने हैं, 5 पार्ट में डिवाइडेड है ये हमारा पूरा डायग्राम, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हम नीचे लिखेंगे, इसमें से जितना पार्ट शेड किया हुआ वो हम ऊपर लिखेंगे, वन पार्ट शेडेड है तो हम वन ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन बनाना है। ये बी वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, ये सी वाला बड़ा है तो एक बार ये मैं और आपको बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 18 है। इसमें से जो है कितने पार्ट को शेड किया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पार्ट को शेड किया हुआ है। ठीक है, जो हमारे 7 पार्ट है वो इसमें शेडेड है, तो इस तरीके से आपका ये सी का फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप बी का फ्रैक्शन यहाँ पर लिखेंगे खुद से, ये वाला आप खुद से करेंगे बी वाला। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। ए बी मैंने आपको बता दिया और ए सी मैंने आपको बता दिया, बी पार्ट आप खुद से करेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे इसको। और जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 है ये आप अपनी बुक में ही करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आपको करनी है वो उतना स्पेस आपकी बुक में है कि आप उसको बुक में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो भी फिनिश होती है।